इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि आप एक फोटो या फोन से क्लिक किया हुआ इमेज को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो की दी गई जानकारी सही लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बगल में एक बेल आइकन दिखेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आगे वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कॉर्नर में गूगल एप्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे ड्राइव का ऑप्शन दिखेगा, ड्राइव पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गूगल ड्राइव कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पे न्यू में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल अपलोड का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी फाइल आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, जो भी इमेज को, उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज टू टेक्स्ट इस फाइल का नाम दिया हूँ, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और ओपन कर लूँगा। जैसे इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे जो है अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, और थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों इसको अपलोड होने में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो अपलोड कम्प्लीट हो गया है, और आपको यहाँ पे जो है फाइल का ऑप्शन दिखेगा लोकेशन का, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो इमेज है जो आपने अपलोड किया वो यहाँ पे दिख जाएगा। फिर आपका माउस से राइट क्लिक करना है, बाद यहाँ पे ओपन विथ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर जाने के बाद आपको गूगल डॉक्स में जाना है। यहाँ पे गूगल डॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह आप देख सकते हो जितना भी इमेज में टेक्स्ट लिखा हुआ था वो सारा टेक्स्ट जो है यहाँ पे जो है सक्सेसफुली आ चुका है। तो आपको इसको क्या करना है, वाट फाइल में ले जाने के लिए आपको इसको पूरा यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका कीबोर्ड में कंट्रोल और सी एक बार में प्रेस करना है। कॉपी करने के बाद आपको वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेना है। तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको सिंपली एक ब्लैंक पेज लेना है। लेने के बाद आपको कंट्रोल और डी से इसको पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हो ये जो है सारा लिखावट यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है। तो कुछ इस तरह से जो है आप एक इमेज या फोटो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको जानकारी सही लगा होगा, वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कौन वीडियो कौन जानकारी साथ। उसके लिए जय हिंद, वंदे मातरम।